साथियों, मॉक पोल टेस्ट करने के बाद की प्रक्रिया पर भी एक बार नज़र डालना है कि ईवीएम मशीन सीलिंग किस प्रकार से करें। फ्लो चार्ट उसका ध्यान से देखें कि सबसे पहले वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को आप सीलिंग करेंगे। जब आप मॉक पोल के लिए बोर्ड्स जो 50 बोर्ड डलवाए हैं वो आप निकालने के बाद उसको सीलिंग करेंगे। इसके बाद एड्रेस टैग से सीलिंग होगी और सीयू की सीलिंग यानी कंट्रोल यूनिट की सीलिंग आपको इसके बाद करनी है। इसके बाद ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग, ये आपकी कंट्रोल यूनिट की सीलिंग होगी और ये चीज़ें आपको कंट्रोल यूनिट में करना होगा। इसी प्रकार से वीवीपैट में भी आप सीलिंग कर दिए। ये करने के पश्चात आपकी अगली प्रक्रिया शुरू होगी वास्तविक मतदान का। प्रक्रिया जब शुरू करने की पहले ये आपको सीलिंग का कार्य करना है। अब वास्तविक मतदान का फ्लो चार्ट भी आप एक नज़र से देख लें और इन बिंदुओं को साथियों अपने पैड में ज़रूर नोट कर लेंगे ताकि इसके आधार पर आप बहुत ही सहूलियत होगी आपको ये मतदान प्रक्रिया में सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए। तो वास्तविक मतदान हेतु सबसे पहले वीवीपैट का नॉब खड़ा करना है यानी हाफ पोजीशन पे, और सीयू का स्विच ऑन कर लेना है यानी कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन, इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र भाग एक भर लेंगे पीठासीन अधिकारी महोदय। तत्पश्चात मतदाता रजिस्टर 17 का प्रमाणीकरण कर लेंगे और मतदान का प्रारंभ प्रातः 7 बजे से यह प्रक्रिया की घोषणा हो जाएगी। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण था जो पहले हमने मॉक पोल टेस्ट का प्रोसेस बताया था, इसके बाद ईवीएम सीलिंग का बताया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आपको आएगा वो मतदान समाप्ति के बाद क्या करना है उसका वीडियो भी हम आपको जल्द ही इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।